हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बाहर बहुत फॉग है और यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत गिर चुका है। आज 5 डिग्री सेल्सियस है और जर्मनी में विंटर स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जर्मनी में आके कैसे बैंक अकाउंट ओपनिंग करते हैं, बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन कौन से बैंक अवेलेबल है यहाँ पर जर्मनी में, जहाँ पे आप अकाउंट खुलवा सकते हो, स्टूडेंट अकाउंट खुलवा सकते हो और आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन बैंकिंग भी होती है, लाइक N26, विविट और रिवॉल्ट, जो यहाँ पे फिजिकल ऑफिस प्रोवाइड नहीं करती पर आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मंगवा सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप जर्मनी में आ रहे हो तो आपको जर्मनी में स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जो आप स्टूडेंट अकाउंट नहीं खुलवाते, बेसिकली करंट अकाउंट खुलवाते हो, आपको हर महीने मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। मेंटेनेंस चार्ज डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, आई थिंक 3 यूरो से लेकर 8 यूरो तक मेंटेनेंस चार्ज होता है। वो भी डिपेंड करता है कौन सी बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हो और उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक तो अनमेल्डिंग चाहिए होता है, लाइक सिटी रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका चाहिए होता है पासपोर्ट और तीसरा चाहिए होता है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल करवाए वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और जिस सिटी में आप जा रहे हो वहीं से आपका बैंक अकाउंट खुलता है। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कौन कौन सी बैंक हमसे कौन कौन के एडवांटेज मिलता है, वो भी देखते हैं। चलो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पारकासे का देखने वाले हैं। स्पारकासे में गूगल में लिखते हैं, यहाँ पे हमको स्पारकासे की ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस होती है, गिरो कॉन्टो सर्विस होती है। गिरो कॉन्टो सर्विस वो होती है जो यहाँ पे स्टूडेंट आके जो स्टूडेंट अकाउंट खुलवाते हैं उसको गिरो कॉन्टो बोलते हैं। गिरो कॉन्टो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कौन कौन से एडवांटेजेस मिल सकते हैं स्पारकासे में अकाउंट खुलाने के बाद। आपको फ्री कैश विड्रॉवल ओवर द 23,000 ATMs थ्रू आउट द जर्मनी। आप अकाउंट कई सारी तरीके से खुलवा सकते हो, लाइक पर्सनली इन द ब्रांच, वाया वीडियो चैट और अवर सेल्स सर्विस टर्मिनल बाय टेलीफोन, ऑनलाइन और मोबाइल विद अवार्ड विनिंग स्पारकासे ऐप। कैशलेस एंड कॉन्टेक्ट पेमेंट द स्पारकासे डेबिट कार्ड एंड ऑफिशियली क्रेडिट कार्ड, पे कॉन्टेक्टलेस विद द कार्ड एंड स्मार्टफोन। एडवांटेजेस देखने के बाद हम जाएंगे चेकिंग अकाउंट कंडीशन। अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हम जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम स्टूडेंट अकाउंट। स्पारकासे दो टाइप के स्टूडेंट अकाउंट प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट अकाउंट बेसिक और स्टूडेंट अकाउंट प्लस। स्टूडेंट अकाउंट प्लस में आपको हर महीने 0.99 यूरो देने हैं एज ऑफ 29 तक। आप एज ऑफ 29 से ऊपर हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पर उसके एज ऑफ 29 के नीचे हो आपको 0.99 यूरो में आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग हो सकता है। उसके वाले आपको स्टूडेंट अकाउंट प्लस में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओल्ड हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, इवन अब्रोड, आप अब्रोड में भी जाके आपका कैश विड्रोवल कर सकते हो। जर्मनी में ऐसा होता है कि हमको यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए हमको बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि इंडिया में हम बैंक अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं, हमको इंडियन बैंक हमको पैसे देती है लाइक इंटरेस्ट। तो हमको यहाँ पे जर्मनी में आके हमको बैंक को पे करना होता है कि हमको सर्विस चालू रखवानी है बैंक की, तो हमको बैंक को पे करना होता है। दूसरा है स्टूडेंट अकाउंट बेसिक। स्टूडेंट अकाउंट बेसिक में ऐसा होता है कि आपको एज ऑफ 25 तक आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होता है। आफ्टर एज ऑफ 25 आपको बैंक को सर्टेन अमाउंट लाइक स्पारकासे में आई थिंक 4.6 समथिंग यूरो है जो आपको पे करने होते हैं हर महीने सर्विस चालू रखवाने के लिए। वेबसाइट में नीचे आते हो तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया हुआ है स्टूडेंट अकाउंट बेसिक और स्टूडेंट अकाउंट प्लस का। तो अकाउंट मैनेजमेंट पर मंथ हमारा 0.00 यूरो और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस में है 0.99 यूरो। हमें यहाँ पे मिलता है स्पारकासे विद डिजायर्ड पिन, ऑनलाइन बैंकिंग, स्पारकासे ऐप, मोबाइल पेमेंट विद स्मार्टफोन, कैशबैक प्रोग्राम इन म्यूनिक एडवांटेज, फ्री कैश विड्रोवल्स, होटल स्पारकासे ATMs इन द जर्मनी। ये सब आपको दोनों में मिलेगा बेसिक और प्लस में। उसके बाद यहाँ पे फ्री कैश विड्रोवल एट द अब्रॉड, यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट प्लस में मिलता है आपको। अब्रॉड में भी आपको विड्रोवल मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है प्लस में, फॉरेन ट्रैवल इंश्योरेंस, इंटरनेट बायर प्रोटेक्शन, ICICI इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, स्टडीज स्मार्टर लर्निंग ऐप, अकाउंट मैनेजमेंट अप टू मैक्सिमम 25 ईयर्स तक हो सकता है। आप 25 ईयर्स से नीचे हो तो आप बेसिक अकाउंट खुलवा सकते हो, और आपके पास ऑप्शन भी होता है कि स्टूडेंट अकाउंट प्लस भी खुलवा सकते हो। उसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। और उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट अकाउंट बेनिफिट, तो कौन कौन से आपको यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट बेनिफिट मिल सकते हैं, लाइक स्पारकासे कार्ड, मोस्ट यूज्ड ऐप बैंकिंग, गिरो पे, मोबाइल पेमेंट, अकाउंट अलार्म क्लॉक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी।
यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे जो हमें कार्ड मिलता है स्पारका से, गिरो कोंटो में जो हमें कार्ड मिलता है वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे जर्मनी में जो सुपरमार्केट या ऐसे होता है वहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इनकेस हमको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या किसी को बाई कार्ड पेमेंट करना है तो हम नहीं कर सकते। लाइक हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि जो बैंक से कार्ड मिलता है वो डेबिट कार्ड होता है या वीज़ा का होता है, मास्टर कार्ड का होता है या रुपए का होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो हमें बैंक गिरो कोंटो जो अकाउंट खुलवाते हैं उसके बाद जो हमें कार्ड देती है वो सिर्फ यहाँ पे सुपरमार्केट और ऐसे ही यूज़ होता है। इनकेस आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है तो आपको दूसरी टाइप का अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसके लिए आपको हर मंथ आपको पे करना होता है। इसके अलावा कई कई सारी ऑनलाइन बैंकिंग भी होती है, लाइक N26, रिवोल्ट और विविड। फर्स्ट है हमारा N26। N26 में कई सारे के अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड, स्मार्ट, यू एंड मेटल। स्टैंडर्ड में आप जो अकाउंट खुलवाते हो आपका फ्री में अकाउंट खुल जाता है, उसके साथ आपको आपका डेबिट कार्ड भी मिलता है। और ये ऑनलाइन बैंक होती है तो यहाँ पे कोई पर्सनल ब्रांच, फिजिकली ब्रांच कोई नहीं होती यहाँ पे। इसी के लिए अगर इन केस आपको कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन ही इसको रीच कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती कि जहाँ पे आप जाके आप अपना डाउट सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल में ऐसा होता है कि मेटल अकाउंट ऐसा होता है कि आपको हर महीने 16.70 यूरो आपको पे करने होते हैं मेंटेनेंस के लिए। हाउ मच डस गो द अकाउंट इन 16.990 पर मंथ यूरोस। और आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा होता है, N26 में अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए आपको रेसिडेंस परमिट चाहिए होता है। उसके अलावा आप रेसिडेंस परमिट के बगैर आपका N26 में अकाउंट ओपनिंग नहीं करवा सकते। दूसरा है रिवोल्ट। रिवोल्ट में आपको अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए जस्ट आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, ये जर्मन में हो तो जर्मन का मोबाइल नंबर डालना है, उसके साथ आपका आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। उसके साथ आपको डेबिट कार्ड भी मिल सकता है, उसका डेबिट कार्ड कुछ कुछ चार्जेस होता है 7 या 8 यूरोस, वो आपको देख के आप अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर करवा सकते हो। और इसके अलावा यहाँ रिवोल्ट में आप करेंसी एक्सचेंज भी करवा सकते हो। इनकेस आपको जर्मनी से इंडिया में पैसे इंडिया पे पैसे भेजना है तो आप वो भी कर सकते हो। तीसरा है विविड मनी। विविड मनी में भी आप फ्री में बैंक अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर आप अपना बैंक अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। स्पारोका के अलावा एक और बैंक है जहाँ पे स्टूडेंट अपना अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं, लाइक कॉमर्स बैंक। कॉमर्स बैंक ऐसा ऐसा बैंक है जहाँ पे आप एज ऑफ 28 तक एज ए स्टूडेंट आप अपना फ्री में अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। पर उसके लिए एक कंडीशन होती है कि आपके अकाउंट में हर महीने 700 यूरो से ऊपर आपका डिपॉजिट होना चाहिए। जो एज ए स्टूडेंट आपके पास ब्लॉक अकाउंट है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर महीने आपको 861 यूरो आपको अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। पर आपके एज ऑफ 28 से ऊपर है तो आपको आपका मेंटेनेंस चार्ज देना होता है बैंक को, वो होता है 4.6 यूरो समथिंग। अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए आप कॉमर्स बैंक गिरो कार्ड भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड होता है जहाँ पे वो आप ऑर्डर करवा सकते हो। यहाँ पे 50 यूरो दे के आप अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर करवा सकते हो। यहाँ पे फ्री कैश विड्रॉल एट 7000 ATMs, मोबाइल कॉन्टैक्ट लाइक पेमेंट विद द एप्पल पे एंड गूगल पे, ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी गारंटी, अनलिमिटेड फ्री कैश डिपॉजिट एट द कॉमर्स बैंक ATMs। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है ओपन अ फ्री अकाउंट, उसके बाद आपको आपकी डिटेल्स डालनी होती है, आपका नेम, सरनेम, बर्थ नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री नेम और नेशनलिटी डाल के आप अपना बैंक अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। उसके अलावा आप फिजिकल ब्रांच में भी जाके आप अपने बैंक अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस बैंक में अकाउंट खोला है और मैंने कैसे अकाउंट खोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्पारकासा में अकाउंट खोला है, क्योंकि स्पारकासा की रेंज कम्पेयर टू अदर बैंक बहुत ज़्यादा है। स्पारकासा की ब्रांच और बहुत ATM बहुत सारी जगह पे होते हैं कम्पेयर टू डॉयचे बैंक एंड कॉमर्स बैंक। और जर्मनी में भी नहीं, अब्रॉड में भी, लाइक यूरोपियन कंट्री में कहीं पे भी जाओ आपको स्पारकासा की ब्रांच और ATM आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। स्पारकासा में अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट लेके, लाइक सिटी रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लेके मैं फिजिकल ब्रांच पे विजिट की थी। वहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद उन लोगों ने 2 दिन बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट दी। अपॉइंटमेंट जाके मुझे सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करनी होती है, उसके बाद वो आपका अकाउंट ओपन करते हैं। उसके बाद आपको आपका BIC नंबर और BN नंबर आपको दे देते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद वो आपको आपके मोबाइल में 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं, जहाँ से आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं।
और आपके कार्ड के लिए आपको आपका पिन और आपका कार्ड आपको 2 या 3 वीक्स में आपको आपके घर पे पोस्ट पे मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका पिन मिलता है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपको आपका कार्ड भी मिल जाता है, बाई पोस्ट ही आता है। ये कार्ड आप कहीं पर भी सुपरमार्केट ATM में यूज़ कर सकते हैं पैसे निकालने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी, और अगर इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल विवेक सरोठिया, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।